हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और भाई फाइनली दोस्तों BGMI में न्यू अपडेट आ चुका है। और भाई इस वाले अपडेट में दोस्तों वीकेंड मैप वापस आ चुका है, जिसका आप मैं हम सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भाई आपका जो मजा है ना वो डबल होने वाला है, क्योंकि भाई इस वाले मैच में ना भाई AWM की बारिश होने वाली है। अच्छा, और साथ ही साथ दोस्तों इस वाले मैच में ना मेरे को भाई फ्लेयर गन भी मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए और भाई मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। मजा आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्लेन पाथ था ना भाई, वो VR से होता हुआ कंट्रा तक जा रहा था। तो भाई मेरे को बीच में डायनो पार्क दिख रहा था और भाई ये अजीब से जगह थी जहाँ पे वो मेरा मार्क लग गया। तो भाई मुझे पता नहीं जगह का नाम क्या है। तो भाई मैं सोचता हूँ कि वहीं पे कूद जाते हैं, क्योंकि वो मेरे को हॉट ड्रॉप लग रहा था। और भाई मैं फटाफट से कूद जाता हूँ, जैसे दोस्तों मेरे को जंप का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कूद रहा था ना, तो भाई मेरे को पता था कि यहाँ पे काफी सारे बंदे आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्लेन के टच में था ना। तो भाई बंदे ज्यादातर उतर जाते हैं, और भाई आजकल हैकर इतने आ रहे ना, तो बंदे ज्यादातर भाई हॉट ड्रॉप को अवॉइड करते हैं और मतलब थोड़ा सा ऐसे उतरते हैं मतलब अननोन जगह पे। और भाई वीकेंड में दोस्तों अभी हॉट ड्रॉप आपको पता है विला होता है, लेकिन भाई यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि वो दूर था। तो भाई मैं और राहुल भाई जो है यहीं पे कूद जाते हैं। और भाई मैं खेल रहा था इस मैच में डुओ, पर आपको तो पता है जब भी मैं डुओ खेलता हूँ तो भाई फिर मैं ड्यू पी लेता हूँ और फिर सबकी चोटें कर देता हूँ। अच्छा, और भाई आसपास बहुत सारे बंदे भी उतरे थे, देखना इन सबकी चोटें मैं कैसे रगड़ूंगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे उतरते मेरे को यहाँ पे टॉमी गन मिल जाती है, और यहाँ पे दोस्तों टॉमी के साथ साथ मेरे को लाल बिंदु और लेवल 1 का टोपा मिल जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो एक मरिंडा भी मिल जाती है, लेकिन भैया मैं ढूंढ रहा था एक बलियान, यानी लेवल 1 का कवच मिल जाए, लेवल 2 का कवच मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन भैया कुछ मिल नहीं रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को SLR मिल जाती है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो कुछ बंदे सामने दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों राहुल बोलता है मेरी तरफ बंदा है मेरे को बचा लो, तो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई फटाफट से राहुल भाई की मदद करते हैं। लेकिन भाई इससे पहले जो है थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करनी भी जरूरी थी, और यहाँ पे दोस्तों मैं वही करता हूँ और चेक करता हूँ ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों भाई फाइनली मेरे को यहाँ पे लेवल 1 की बलियान यानी कवच मिल ही जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों भाई मैं फटाफट से उठाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मरिंडा भी मेरे को एक और मिल जाती है, और भाई फाइनली मेरे को लेवल 2 का बस्ता भी मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं राहुल भाई की मदद करने के लिए कूदता हूँ, और अब देखो बस क्या होगा। पता नहीं कैसे फंस गया मैं। अब यहाँ पर तो भाई मैं नीचे झांक रहा होता हूँ, तो मेरे को पहला बंदा दिखता है और ये बेचारा नल्ला होता है भाई, इसके आदमी बेचारे कुछ नहीं होता। तो भाई मैं सोचता हूँ पहले कमलेश है, लेकिन भाई ये तो सही में विमलेश होता है, मतलब आई एम इसका नाम आप देखते हो, B-Lack IM था। और भाई इसका साथी इसको बचाने के लिए कूदता है, तो भाई राहुल भाई उसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन भाई मैं बच जाता हूँ और भाई फाइनली इसको खत्म करता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट से भाई अंदर घुसता हूँ, राहुल भाई को बोलता हूँ अंदर आओ, क्योंकि भाई मेरे को अभी भी बहुत सारे फायर आ रहे थे। तो भाई मैं फटाफट से पहले एक दरवाजा बंद करता हूँ और चुपचाप से यहाँ पे बैठ के राहुल को रिवाइव करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मैं राहुल को रिवाइव तो कर रहा था, लेकिन भाई मेरे को पता था कि राहुल के पास हेल्थ नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको एक मरिंडा भी दे दी साथ में। और यहाँ पे दोस्तों भाई मैं आगे लूटा पार्टी करने शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मेरे को एक ढंकी गन चाहिए थी, लेकिन भाई जो लॉन्ग रेंज में काम आ सके, लेकिन भैया SLR वगैरह जो है भाई DMR में आती है, स्नाइपर में आती है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं अवॉइड कर रहा था। भाई मेरे को कोई ढंकी गन चाहिए थी। अब यहाँ पर दोस्तों भाई मेरे कोई ढंकी गन तो नहीं दिखती है, लेकिन लेवल 3 का टोपा मिल जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो तकिया मिल जाता है, और साथ में फाइनली मेरे को यहाँ पे भदड़ भदड़ दिख जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई भदड़ भदड़ को उठा लेते हैं, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था चटर पटर, तो मैंने कहा चलो भाई भदड़ भदड़ उठाते हैं और भाई वो लेके चलते हैं, मतलब SLR से ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि क्लोज रेंज में भी सही रहती है भाई भदड़ भदड़ कभी कभी। हालांकि मुझे टट्टी गन लगती है भदड़ भदड़, लेकिन भैया आजकल मैं चला लेता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भाई प्रैक्टिस आपको कोई भी गन चलवा सकती है, मतलब आप चाहे तो कट्टे से भी मार सकते हो किसी को भी। तो यहाँ पे दोस्तों भाई मैं फाइनली लूटा पार्टी करने आता हूँ, और भाई फाइनली मेरे को यहाँ पे यम यम यम्पी मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई भदड़ भदड़ को भी फेंकने का टाइम आ चुका है, यम यम यम्पी उठाते हैं। और भाई आगे जाकर मेरे को और सारी एमओ भी मिल जाती है और काली डंडी भी मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई काली डंडी मिल चुकी है, अटैचमेंट भी मिल चुकी है, तो लॉन्ग रेंज में काम आएगी। और भाई फाइनली मेरे को यहाँ पे लेवल 3 का कवच भी मिल जाता है। और भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे लूटा पार्टी करते करते मेरे को आओ कमलेश मारो भी मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई आओ कमलेश मारो तो मिल गई है, लेकिन भैया कमलेश नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि केडी कौन बढ़ाएगा अगर कमलेश नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैंने जो टॉमी को फेंक दिया, और यहाँ से दोस्तों अपना बैग को भी खाली कर दिया, मतलब जो भी फालतू की चीजें थी, और भाई आगे बढ़ गया मैं बंदों को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं भाई मैं यहाँ पे कमलेश की तरह भागता हूँ ढूंढ करते हुए, और भाई बॉट फायर देता हूँ, और मुझे भी पता था कोई ना कोई बंदा जरूर फंसेगा। और आप देखो एक बंदा फंसता भी है, और आप देखो उसको मैं कैसे मारूंगा। भाई साहब ये भालू मेरे को बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होगा। अबे बॉट फायर देता है, कमलेश फायर देता है, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो यहाँ पे दोस्तों भाई ये बोल रहा होगा कैंपर मार दिया आप लड़ा डिंग करा। अब यहाँ पे दोस्तों भाई कमलेश के लालच में आओगे तो भाई ऐसे होगा ना। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसको मैं मार देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लैपटॉप लगाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि भाई इसने मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी थी। और यहाँ पर दोस्तों आसपास से आप देख सकते हो और भी ज्यादा मुझे अभी फायर के साउंड आते, तो मुझे पता था काफी सारे बंदे हैं। और भाई इस वाले बंदे की पेटी में मेरे को भाई 6x 4x 3x भाई पता नहीं क्या क्या लेके बैठा हुआ था भाई ये। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं राहुल भाई के लिए भी भाई 3x छोड़ देता हूँ अगर उसको चाहिए तो। लेकिन दोस्तों फिर मैं जो है आगे बढ़ जाता हूँ, और भाई यम यूएमपी में जो है भाई लगा लेता हूँ 6x को बना लेता हूँ मतलब 3x। और आप देखो सामने यहाँ पे बंदे होते हैं, और आप देखना भाई मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक भी एमो नहीं लगती मेरी।
और मेरे सामने भाई उस बंदे की हत्या हो जाती है। तो मैंने कहा भाई वो क्या देख लिया मैंने, राहुल भाई वहाँ पे जो है कुछ बंदे आए भाई, दो दो गाड़ी लेके जीप में अलग अलग, तो भाई सोड़ी की जीप लेके नहीं आए थे भाई, वो वीकेंडी पे थोड़ी सी अलग वाली जीप होती है तो वो लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो भाई राहुल भाई इनको रोटेट मार के फटाफट से खत्म करते हैं और अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर को बंदे दिखते हैं और भाई मैं फायर भी करता हूँ, लेकिन भाई मैं डैमेज तो देता हूँ लेकिन भाई दूसरा बंदा उसको कवर देता है। और अब देखना भाई उसके कवर के चक्कर में ना भाई मैं काफी ज्यादा डैमेज भी खा लेता हूँ। और भाई मेरी जो है बिल्कुल 10 एचपी के आसपास बसी थी, मतलब 20 एचपी के आसपास, तो यहाँ पर उसको मैं लगाता हूँ तकिया ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ। और राहुल भाई फायदा उठाते क्योंकि उन्होंने जो है राहुल भाई को स्पॉट नहीं करा था, तो भाई राहुल भाई उन दोनों को खत्म कर देते हैं। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक करोना का टीका क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने सबको दिया था पीटा। एक घर के पीछे एक और आ गया देखो। तो यहाँ पर तो भाई राहुल जो है भाई सबको पीट पाट देता है इधर जो भी बंदे होते हैं, मतलब मैंने भी डैमेज दिया था थोड़ा बहुत। और यहाँ पर तो भाई मैं आ जाता हूँ उनकी पेटी पर कूड़ा बीनने के लिए। अब यहाँ पर तो आपको पता कितनी गंदी रहती है भाई, तो कूड़ा तो जरूर बीनूंगा। तो यहाँ पर तो भाई मैं फटाफट से कूड़ा वूडा बीनता हूँ और चेक करता हूँ उनकी पेटी में क्या क्या है। अब यहाँ पर तो भाई इनकी पेटी में मेरे को कुछ खास गन नहीं दिख रही होती है, लेकिन भाई मेरे को G36 दिख जाती है, मतलब G36C जो भी गन है भाई ये। तो भाई ये ऑटो है, मतलब ये इसको मैं ऑटो बोलता हूँ, ठीक है ठीक है। तो मेरे को भाई ये ऑटो वाली गन मिल जाती है, तो मैंने कहा चलो भाई ऑटो चलाएंगे फटाफट से बटर। तो भाई जब भी इससे फायर करते हैं ऐसा लगता है जैसे ऑटो चला रहे हो भाई, ऑटो स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर तो भाई मैं ये उठा लेता हूँ और यम 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 को फेंक देता हूँ क्योंकि भैया ये ज्यादा बेटर काम करती है उससे। तो यहाँ पर तो भाई मैं आगे बढ़ जाता हूँ बंदे चेक करने के लिए और भाई मेरे को आगे से फायर आ रहा है कमलेश है वहाँ पे, तो मैं जाता हूँ भाई उस कमलेश को मारने। लेकिन भाई मैं देखता हूँ मेरी आंखों के सामने फिर से मेरे कमलेश को किसने मार दिया और मैं देखता हूँ किसने मारा है, ये तेरी ऐसी की तैसी। तो यहाँ पर तो भाई क्वीन बैठी होती है भैया, मतलब कैम कर रही होती है पत्थर के पीछे बैठ के। भैया आप देख रहे हो, मतलब भैया क्वीन भैया ऐसे क्यों करते हो यार, मतलब लड़की हो या लड़का जो भी हो आप, लड़का है ये। लेकिन भाई यहाँ पे जो है इस क्वीन को मार रही है, मेरे को मिल जाती है यहाँ से यम पुरुषोत्तम गॉड गन। मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ, मैंने कहा चलो भाई फाइनली यहाँ पे यम पुरुषोत्तम गॉड गन मिल गया, तो भाई मैं ऑटो को भी फेंक के मारता हूँ। और भाई फाइनली यहाँ पे दोस्तों मैं जो है आओ कमलेश मारो और यम पुरुषोत्तम गॉड गन लेके आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को पता था आगे साइड में कुछ बंदे हैं क्योंकि भाई फायर हुआ था यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा टीपी भी ले रहा था जैसे कि आप देखते हो, मतलब क्वीन वीन जो भी थी। तो यहाँ पर तो मैं राहुल भाई को बोलता हूँ आगे बंदे भी हो सकते हैं, तो एक काम करते चलो भाई फटाफट से साथ साथ आ जाओ चलते हैं कि आप तो भाई कोई टीपी भी लेके मार रहा थे। और आप देखना बस हमें यहाँ पे बंदे मिलेंगे भी। अब यहाँ पे दोस्तों भाई इस वाले घर में घुसता हूँ और जान उसके थोड़ा बहुत फायर भी देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था ना यहाँ पे जो है बंदे होंगे तो भाई वो दोबारा क्या पता भाई मेरे कमलेश वाले जाल में भर जाए, मतलब कमलेश फायर में। लेकिन भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है मैं ऐसी कमलेश फायर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और भाई लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है लकली एक बंदा दिख जाएगा, बस आप देखते जाना। अब यहाँ पर तो भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ये फायर वायर करके कमलेश वाला, और अब देखना भाई यहीं पे बंदे होते हैं, मेरी किस्मत देखना बस आप। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ ऐसे, ठीक है घूमता घूमता घूमता, और अब देखो मेरे को कैसे बंदा दिखेगा, मतलब यहाँ पे मैं जंप मारता हूँ और भाई मैं आगे ऐसे टहल रहा होता हूँ, ठीक है कि कहाँ है बंदा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है बंदा, अरे कहाँ अरे कहाँ अरे। और अब देखो मेरे को बंदा कैसे मिलने वाला है। अब यहाँ पर तो भाई मैं खिड़की से कूद के आता हूँ और भाई मेरे को हेलमेट दिख जाता है उसका, टंटोला चमक रहा होता है टाट पे लेवल 2 का। तो यहाँ पर तो भाई मैं उसको फटाफट से भाई फिनिश करता हूँ और भाई यहाँ पे निकालता हूँ मैं करोना का काड़ा और भाई फेंक के मारता हूँ। और भाई जोकर की आवाज़ सुनना बस आप क्या बोलेगा वो, अरे भैया चला दिया कौन था ये मजदूर, करोना का काड़ा मिला दिया गर्मा गर्म। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बम्बानी फेंक के मारता हूँ और भाई यहाँ पर दोस्तों मैं सोचता हूँ उसका दूसरा बंदा भी फूट जाएगा, लेकिन भैया वो फूटता नहीं है। तो यहाँ पर तो भाई मैं जो है राहुल भाई को बुलाता हूँ कि भाई राहुल भाई जल्दी आ जाओ, रश कर रहा है उसके ऊपर, तो इससे पहले कि वो जो है मतलब भाई हमें मारे हम उसको फटाफट से मार देते हैं। तो यहाँ पर तो भाई राहुल भाई को मैं बुलाता हूँ और अब देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे दोस्तों रास्ता ढूंढ रहा हूँ कहाँ से रास्ता है, लेकिन फिर राहुल भाई बताते हैं अरे बाहर से रास्ता है। तो यहाँ पर तो भाई मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ बढ़ के आता हूँ और अब देखो ऊपर है। अब यहाँ पे तो भाई वो ऊपर होता है, तो अब देखना मैं सीढ़ी पे कैसे अटकूंगा, मतलब मेरे को लगता है भाई कहाँ पे मैं झांक रहा हूँ और भाई दीवार पे भिड़ के बस चेक ही कर रहा हूँ, भाई वो तो बंदा मारने आ जाता है। और भाई यहाँ पे दोस्तों मैं नॉक करता हूँ, लेकिन मैंने उसको 1 HP छोड़ा होता है, तो राहुल भाई को बोलता हूँ घुस के सीधा मारो 1 HP 1 HP है। और भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है राहुल भाई उसको मार देते हैं। अब यहाँ पर भाई मैं राहुल से फटाफट से भाई रिवाइव लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो गया था, तो मैंने कहा राहुल भाई फटाफट से रिवाइव करो क्योंकि भैया गेम प्ले खराब नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है भाई आजकल बड़ी मुश्किल से गेम प्ले बनते हैं क्योंकि भाई हैकर बहुत सारे आ चुके हैं भाई गेम में, तो भाई बड़ी मुश्किल से ऐसी होता है कि कोई गेम जिसमें जो है हैकर ना आए और भाई गेम प्ले बना पाए। तो यहाँ पर तो भाई मैं फटाफट से लगाता हूँ तकिया ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ। और भाई फिर लगाता हूँ यहाँ पे एक मिरिंडा, क्योंकि आपको तो पता है भाई मिरिंडा कितनी ज्यादा महंगी हो गई, तो भाई बैग में रख रखे क्या करूँगा भाई, पी लेता हूँ ना एक, और वैसे भी आपको पता है BGMI में फ्री में मिल रही है तो भाई पी लेनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मैं जो ऐसे घूम रहा होता हूँ तो भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को पहला कमलेश मिल जाता है, मतलब ठीक है मेरा, क्योंकि भाई इतनी देर से एक भी कमलेश नहीं मिला था, तो भाई केडी बढ़ाने के लिए यहाँ पे दोस्तों कमलेश आ जाता है और भाई इसको मैं मार के और इसकी पेटी से भी लूटा पार्टी मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे तो उस कमलेश को मार रहे हैं, उसको लूटा पार्टी करने के बाद ना मैं यहाँ से दोस्तों कमलेश मोड ऑन करता हूँ और भाई यहाँ से दोस्तों गाड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भैया जोन भी आ चुका था और भाई हमारे पास कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं थी। तो यहाँ पे तो भाई मैं कमलेश मोड ऑन करता हूँ और बस आप देखते जाना हमें बंदे कैसे कैसे मिलते जाएंगे।
अब यहाँ पर तो भाई मैं कमलेश मोड ऑन ही कर रहा होता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो एक और कमलेश आता है बोलता है गौरव आ जा भाई केडी बढ़ा दो, दोस्तों इसको मैं भाई फटाफट से फिनिश करता हूँ। और भाई यहाँ पर दोस्तों इसको भी लूटा पार्टी करने के लिए चले जाता हूँ। और भाई इसकी पेटी में मेरे को काली टॉर्च वगैरह मिल जाती है। और भाई कमलेश की हरी वाली गोली तो भाई लेके आएगा ना, क्योंकि भाई कमलेश है तो भाई हरी वाली गोली लेके तो आएगा ही। तो यहाँ पर दोस्तों भाई इसको भी हम फटाफट से फिनिश करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैं कमलेश मोड वापस से ऑन करता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ दोस्तों गाड़ी ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे जो कमलेश की तरफ भाग रहे होते हैं और राहुल भाई को एक बजा दिया जाता है, तो मैंने कहा कहाँ है कहाँ है कहाँ है भाई इतनी देर से भाग रहे भाई, इतना ज्यादा भगाया ना भाई कमलेश की तरफ मैंने, क्योंकि एक भी गाड़ी मिली नहीं। तो भाई फाइनली यहाँ पे बंदा तो मिल ही जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से उसको मारते। मैंने कहा राहुल भाई मैं ही मारूंगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, और अब देखो उसको मैं कैसे मारूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हो भाई घास में जाके भाई छुप रहा था ये, ठीक है ब्राउन ब्राउन घास में छुप रहा था। और यहाँ पर दोस्तों भाई मैं इसको फटाफट से भाई फिनिश करता हूँ प्रिंस को। और भाई यहाँ पे दोस्तों मेरे 8 किलो आते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं भाई फटाफट से जाता हूँ कमलेश की तरफ भागते हुए लूटा पार्टी करने के लिए। भाई क्या है इसकी पेटी में, क्योंकि आपको तो पता है भाई गंदी तो है मेरी लूटने के लिए। और अब देखना दोस्तों यहाँ पे जो है एंट्री होने वाली है सफेद भालू की, तो बस आप देखते जाना भाई वो सफेद भालू क्या करता है और भाई उस सफेद भालू को बस मैं कैसे मारूंगा। अब यहाँ पे तो भाई मैं लूटा पार्टी कर रहा होता हूँ, उसके पास भाई क्या ही लूट होती है, मतलब भाई सिक्स एक्स वगैरह लेके बैठा होता है भाई, यम फोर तो गॉड गन लेके बैठा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैं लूटा पार्टी करके और भाई अपने बैग से जगह निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मेरी कितनी ज्यादा गंदी रहती है भाई कमलेश की हरी वाली गोली उठाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब देखना हमें कैसे बंदा दिखने वाला है जो सफेद भालू मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर तो भाई मैं ऐसे भाई जा रहा होता हूँ उस बंदे को लूटने के बाद, और भाई मैं देखता हूँ सामने से एक बंदा आता है स्केटिंग करता हुआ, मैं मनाली में घूम रहा हूँ सफेद भालू। मैंने कहा रुक जा सफेद गिली लूंगी। तो यहाँ पे तो भाई मैं उसको फायर करता हूँ, लेकिन भाई वो बच जाता है। और मैंने कहा भाई इसको जरूर मारेंगे राहुल भाई, क्योंकि इसके बाद भाई AWW यम यम में हो सकती है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया इस गेम में मेरे को भाई फ्लेयर गन भी मिलती है और 3-3 AWW मिलती है, तो बस आप देखते जाना। अब यहाँ पर तो उस सफेद लुंगी वाले को ना मैंने सोचा था मार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्तों इतने में जो है पीछे एक जो है अलग से सोड़ी की जीप आ जाती है और भाई वो जो है राहुल को आके खत्म कर देती है। मतलब उसमें एक ही बंदा होता है, पहले मुझे लगता है भाई पता नहीं कितने बंदे होंगे, लेकिन भाई एक ही बंदा होता है। और आप देखो उसको मैं कैसे मारूंगा, मतलब भाई राहुल भाई का बदला तो लेना था ना, तो आप देखो बस उसको मैं कैसे मारूंगा। अब यहाँ पे तो भाई पीछे से फायर भी आया था मेरे को, तो मैं चेक कर रहा हूँ कहीं पीछे तो कोई बंदा नहीं है ना। और फिर मैंने कहा यार देखा जाएगा, चलो देखा जाएगा, और निकलते हैं। और भाई मैं निकाल लेता हूँ, आओ कमलेश मारो हाथ में, क्योंकि भैया क्लोज रेंज में ज्यादा बेटर रहेगी। गल पे चल रहा हूँ, आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया, भैया। तो यहाँ पे दोस्तों भाई हार्टलेस को यहाँ पे लॉबी पहुंचा देता हूँ और भाई इसकी पेटी भी लूट डालता हूँ। और भाई जैसे दोस्तों यहाँ पे जो मैं राहुल भाई की पेटी चेक करता हूँ, मैंने कहा अरे राहुल भाई इतने अमीर बंदा है। अब यहाँ पे तो भाई मैं राहुल भाई की पेटी लूट पाट रहा होता हूँ, लेकिन सामने से एक और जीप आती है और भाई इसमें कुछ बंदे होते हैं और भाई मैं उनके ऊपर पूरी ऑल कमलेश मारो मार देता हूँ, लेकिन भाई वो मरते ही नहीं है। फिर यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ भाई उनके ऊपर फायर करता हूँ गंदा वाला, बस आप देखते जाना। अब भाई यहाँ पे दोस्तों भाई मैंने उसको इतनी गोली मारी ना भाई पता नहीं क्या हुआ भाई, वो नॉक क्यों होता पहले, लेकिन भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है वो नॉक हो जाता है। और इसका लास्ट वाला बंदा देखो मैं कैसे मारूंगा। अब भाई साहब यहाँ पे दोस्तों मेरी भाई पता नहीं कैसे यहाँ पे जो है सिंगल पे हो गई थी कमलेश मारो, भाई मैंने फटाफट से उसको ऑटो पे करा और भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे इसको मारा। अब यहाँ पे तो भाई मैं लैपटॉप लगाता हूँ बैठे बैठे और भाई इसकी पेटी चेक कर रहा हूँ और भाई इसमें मेरे को दिख जाती है फ्लेयर गन। हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और भाई मैं इतना ज्यादा खुश होता हूँ, मैंने कहा अरे भाई एक तो वीकेंड ही मैच लगा ऊपर से फ्लेयर गन भी मिल गई, तो भाई मैं एकदम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। तो भाई मैं फटाफट से भाई फ्लेयर गन की एमो उठाने के लिए भाई बैग में से जगह निकालता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों भाई मैं फ्लेयर गन की फटाफट से जैसे एमो लेता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे दीवार के पास बैठ के रीलोड मार रहा हूँ और भाई सामने मेरे को दिख जाता है सफेद भालू। मैंने कहा रुक जा इसको तो मैं मारूंगा राहुल, मेरे को रुको करने दो जो कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों भाई अब देखना बस क्या होगा। अब यहाँ पर तो भाई वो ऊपर जाता है और मुझे सामने गड्ढा दिखता है, तो मैं निकालता हूँ बंबानी, क्योंकि मैं हूँ अंबानी, तो मैंने कहा चलो भाई ये वाला बंबानी फेंक के मारते हैं, क्या पता भाई वो फुट जाए प्रीनेट से। और अब देखो बस उस बंदे का रिएक्शन। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे इसको मैं मारता हूँ ना, तो मुझे पता है भाई उस बंदे का रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे तो भाई वो मेरे को हैकर वैकर बोल रहा होगा और भाई मैं जाता हूँ आसमान से देखता हूँ AWWM और भाई कोड वर्ड डाल देता हूँ और मैंने कहा प्लीज भाई जादू AWW दुला दियो। और यहाँ पे तो भाई वापस से कंटिन्यू लूट करता हूँ। अरे भाई 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 वो तो बड़ा। और मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, जब तक भाई मेरा ड्रॉप आ रहा है मतलब ठीक है प्राइवेट वाला, तो एक काम करता हूँ फटाफट से जाके उसकी पेटी को लूटता हूँ, क्योंकि भाई उसके पास ही सफेद लूंगी जो कि मुझे चाहिए थी, क्योंकि जब मैं पहन लूंगा सफेद लूंगी तो कर दूंगा सबकी ढीली लूंगी। तो यहाँ पर तो भाई मैं फटाफट से जाता हूँ और भाई मुझे उम्मीद भी थी कि उसके पास शायद मेरे को AWWM भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो भाई मैं जाता हूँ और भाई इसके पास मिलती है मेरे को पहले तो सफेद लूंगी और AWWM। यस यस यस
अब यहाँ पे दोस्तों भाई मेरे को जादू दुलाए ना दुलाए, लेकिन भाई यहाँ पे जो है मेरे को कंफर्म AWM तो मिल चुकी थी और मैं काफी ज्यादा खुश था। मैंने कहा चलो भाई फाइनल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को AWM तो मिल गई है। और यहाँ पे दोस्तों भाई मैंने इसकी जो है ये स्केट बोर्ड उठाई और मैंने कहा चलो भाई मेरे पास इसकी स्किन भी है तो थोड़ा बहुत इसको घुमा लेता हूँ जब तक मेरा ड्रॉप आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने सोचा यार मैं ड्रॉप से ज्यादा दूर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे अलावा दो बंदे बचे थे तो मुझे पता था कोई ना कोई भाई फ्लेयर गन पे गंदी ने दिखाने के लिए आएगा ही, मतलब ठीक है कि भाई फटाफट से चेक करते हैं किसने फ्लेयर गन चलाई और उसको मारेंगे। तो यहाँ पर तो मैं भी थोड़ी देर कैम करता हूँ जब तक मेरा फ्लेयर ड्रॉप आ रहा होता है। अब यहाँ पर तो भाई फाइनली मेरा जो है ड्रॉप आ जाता है तो मैं पहले फटाफट से एक 500 का बंडल फेंक के मारता हूँ बीडी का, ताकि भाई कोई मेरे को मार वार ना दे, ठीक है। और यहाँ पर तो भाई मैंने गिली लुंगी भी पहन रखा था तो भाई एकदम धुएं में छुप जाऊंगा किसी को पता भी चलेगा। अब यहाँ पर तो भाई जैसे भी ड्रॉप खोलता हूँ तो भाई इसमें मैं देखता हूँ गिली लुंगी और भाई AWM। और यहाँ पर दोस्तों भाई ब्राउन गिली लुंगी होता है तो मैं राहुल भाई से बोलता हूँ कौन सा वाला गिली लुंगी उठाऊं, सफेद रखूं या फिर जो है ब्राउन लुंगी रखूं। तो यहाँ पर तो भाई मैंने कहा चलो एक बार पहन के देख लेते हैं ब्राउन लुंगी कैसी लग रही है, भले उसको उठाऊं या ना उठाऊं। तो यहाँ पर तो भाई मैं उठाता हूँ, फिर राहुल भाई बोलते नहीं नहीं व्हाइट वाला एरिया ज्यादा है, व्हाइट रख लो क्योंकि एरिया ज्यादा व्हाइट का है भाई। तो यहाँ पर तो भाई मैं फटाफट से भाई सफेद लुंगी उठाता हूँ और यहाँ पर तो मैं चेक करता हूँ कि बाकी के बंदे किधर है। अब यहाँ पर तो मैंने सोचा यार सामने मेरे घर है तो एक काम करता हूँ यहीं पे होल्ड करता हूँ, क्योंकि जोन जो है भाई मेरे पास भी था तो मैंने कहा चलो भाई क्यों इधर उधर जाऊँ, एक काम करता हूँ बंदर बन जाता हूँ और भाई छत पे चढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर तो भाई मैं सफेद लुंगी पहन के भाई ऊपर आ जाता हूँ और भाई यहाँ से बंदर बन के बस चेक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास हाइट का एडवांटेज था तो मुझे पता था भाई आसानी से मेरे को बंदे दे जाएंगे और मेरे पास AWM भी थी तो भाई मैं किसी के पट से हेडशॉट लगाना चाहता था। तो यहाँ पर तो भाई मैं झाका झाकी कर रहा हूँ कि कोई बंदा दिख जाए कोई बंदा दिख जाए और भाई यहाँ पे दोस्तों बस वेट कर रहा हूँ सही मौके का कि कोई बंदा दिखे और उसके पट से हेडशॉट लगा दूं। तो भाई अब देखना बस मेरे को बंदे कैसे दिखेंगे। अब यहाँ पर तो भाई मैं भाई झाक ही रहता हूँ, मेरे को फायर का साउंड आता है तो भाई मेरे को बंदा दिखता नहीं। मैंने कहा भाई राहुल भाई कहाँ है बंदा, कहाँ है बंदा, फायर तो यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर तो भाई मैं झाका झाकी कर रहा होता हूँ और भाई फाइनल दोस्तों यहाँ पर जो एक सरकारी ड्रॉप भी गिरता है और अब देखना सरकारी ड्रॉप जब गिरेगा ना तो मेरे को वो बंदा भी ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो भाई ऊपर से सरकारी ड्रॉप आ रहा होता है तो भाई मैं देख रहा हूँ सरकारी ड्रॉप को, लेकिन भाई फाइनल दोस्तों यहाँ पे मेरे को बंदा दिख जाता है। बस आप देखते जाना, मैं भाई यहाँ पे निकालता हूँ AWM और पट से हेडशॉट और भाई इसका नाम पढ़ रहे हो बीफ और भयंकर, भाई तुम सच में बहुत भयंकर कैंपर थे। तो यहाँ पर तो जैसे मैं मारता हूँ ना तो मैं देखता हूँ वही वो डायरेक्ट किल हुआ है तो मैं समझ गया था दोस्तों यहाँ पे जो है वो सिंगल बंदा था और भाई वहाँ पे कैंप कर रहा था, और अगर वहाँ पे वो कैंप कर रहा था तो वहाँ पे आसपास और कोई बंदा नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं फटाफट आता हूँ और इस पहाड़ी पे चढ़ जाता हूँ ताकि भाई मेरे को जो है और अच्छा कवर मिल जाए और मैं थोड़ा और ज्यादा जोन के अंदर आ सकूँ। और भाई मुझे पता था कोई ना कोई हो सकता है सरकारी ड्रॉप और सरकारी जॉब को लूटना है, आपको तो पता है भाई सरकारी ड्रॉप को कोई छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं आके लेट जाता हूँ और कैंप कर रहा हूँ और मुझे भाई भागने की आवाज आती है और ये तो एक कंप्लीट निकलता है पट से हेडशॉट। तो यहाँ पर तो मैं बोलता हूँ अरे भैया लास्ट बंदा कमलेश ये क्या हो गया, ये क्या देख लिया और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो है भाई मैं इजी चिकन ड्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर तो आप सोच रहे अरे भैया गौरव भाई 3 AWM कहाँ है। तो यहाँ पर तो भाई मैं सोचता हूँ हाँ यार मैंने सिर्फ 2 AWM उठाई है। तो यहाँ पर तो भाई मैं जो सरकारी ड्रॉप को लूटने जाता हूँ गंदे दिखाने की, चेक करता हूँ कि क्या है उसके अंदर चेक करते हैं। और भाई जैसे दोस्तों मैं जो है सरकारी ड्रॉप को खोलता हूँ ना तो भाई उसके अंदर भी एक AWM निकलती है। तो भाई मतलब इस मैच में भाई मेरे को 3 AWM मिल गई थी। तो यहाँ पर तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ जिसने भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा भाई फटाफट से फॉलो कर लो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों मैंने जो एक नया चैनल भी खोला है भाई ब्लॉग वाला तो भाई उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, 2000 सब्सक्राइबर होने वाले भाई फटाफट से करा दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।